सरकार एक तरफ कोविड-19 के चलते गाइडलाइंस जारी कर उनका पालन करने की अपील करती हुई नजर आ रही है। न मानने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी दावा किया जा रहा है कि 2 गज की दूरी मास्क है जरूरी। लेकिन मैनपुरी में एक सरकारी कार्यक्रम में कोविड-19 के चलते देखने को मिला है कि ना 2 गज की दूरी ना मास्क है जरूरी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में भारत सरकार द्वारा संचालित योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मिशन शक्ति कार्यक्रम का आयोजन नुमाइश पांडाल में किया गया है। यहाँ पर जमकर कोविड-19 की गाइडलाइंस की धज्जी उड़ी है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब कैबिनेट मंत्री और जिला अधिकारी कोविड-19 की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाएंगे तो आम जनता का क्या हाल होगा। आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। कार्यक्रम में समूह की महिलाओं के साथ साथ स्कूल की छात्राओं ने भी संस्कृत कार्यक्रम प्रस्तुत किए, तो कार्यक्रम में महिला शक्ति पर विशेष बल दिया गया। वहीं महिलाओं ने पांडाल में स्वयं आजीविका मिशन के तहत प्रदर्शनी लगाकर स्वयं पर निर्भर रहने का दावा किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने प्रदेश में बीजेपी सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों का उल्लेख किया, वहीं महिला सशक्तिकरण पर विशेष बल दिया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने भी उपस्थित विद्यालय की छात्राओं और महिलाओं को जागरूक करते हुए संबोधित किया। कार्यक्रम में कोविड-19 के चलते कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री के साथ साथ बीजेपी जिला अध्यक्ष प्रदीप चौहान, जिलाधिकारी महेंद्र बहादुर सिंह मौजूद, विद्यालयों की छात्राएं एवं महिलाएं भी ना 2 गज की दूरी और ना ही मास्क जरूरी की तर्ज में कार्यक्रम में भाग लेते हुए दिखे। कुछ भी हो, जब कैबिनेट मंत्री और जिला अधिकारी कोविड-19 की गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाएंगे तो आम जनता का आखिर क्या हाल होगा। मिशन शक्ति जो आयोजित कार्यक्रम किया गया, सर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश की सरकार के बहुत ही जानदार, शानदार और दमदार 4 साल पूरे हुए उस उपलक्ष्य में प्रदेश में तमाम कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उसी श्रृंखला में आज का ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान मिशन शक्ति कार्यक्रम, इसका भी आयोजन किया गया है। और हमारा संकल्प है, हमारा सपना भी है कि हमारे देश की, प्रदेश की जो आधी आबादी है महिला शक्ति, इसका भी सशक्तिकरण हो और ये आगे बढ़े। ये हमारी दोनों सरकारों का प्रयास है, केंद्र की और प्रदेश की। सर, अगर जो मिशन शक्ति की बात की जाए तो महिलाओं के प्रति अभी जो है ना उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या बढ़ती चली जा रही, सर क्या कहेंगे? बहुत कम अपराध है, पहले से बहुत कम है, आंकड़े हैं उस बात। और जैसे जैसे माहौल बदलेगा, प्रदेश का वातावरण बदलेगा, महिलाओं के सम्मान की रक्षा हम अदालत में करेंगे, हमारी प्रदेश की सरकार का ही संकल्प। ब्रेकिंग न्यूज, रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।